बोले खाली सामान ले। बोलो। हेलो फ्रेंड, ये लोकोमो 40 टन क्रेन है, इसका हम रियर हब सर्विसिंग और इसका ब्रेक का प्रॉपरली वर्किंग नहीं हो रहा था फ्रेंड्स, इसलिए हम खोले थे। अब ऑलरेडी ब्रेक शो और कैमशाफ्ट ऑलरेडी हम फिट कर चुके हैं। अब इसमें बेरिंग में ग्रीस लगा के अब इसमें हब में बिठा रहे हैं। बड़ा बेरिंग है ये बड़ा बेरिंग है, ये हब में बिठा रहे हैं। और इसके बाद में ये सील आता है, अंदर इनर सील बिठाना पड़ता है। ये इनर सील है, इसको साफ करके ये इसका सील बिठाना है। ये सील होता है, ये सील बिठाने के बाद अभी हम और दूसरा बेरिंग में ग्रीस भरेंगे पहले, उसके बाद सील बिठा के हब को फिट करेंगे। ये बेरिंग में हम ग्रीस भर रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, हम अब इसको ग्रीस पूरा भर चुके हैं बेरिंग में। ये बेरिंग छोटा बेरिंग है, ये बाद में इसको लास्ट में लगाना पड़ता है। अब हमको सील बिठाना है। थोड़ा बंद कर, ये बड़ा सील है इसका इनर सील। अब बेरिंग बिठा चुके हैं हम, अब इसको सील लगा रहे हैं। सील बिठा चुके हैं हम प्रॉपरली। हेलो फ्रेंड्स, अब हम ऑलरेडी सील लगा चुके हैं, ब्रेक कैमशाफ्ट ब्रेक शो फिट कर चुके हैं, अभी हम बेरिंग भी बिठा चुके हैं बड़ा। अभी इसको हम हब ऊपर चढ़ा रहे हैं, उसके बाद छोटा बेरिंग बिठाएंगे आगे। उठाओ आइडिया है जी। शुक्रिया। स्टार्ट। अब हम हब बिठा चुके हैं, अब छोटा बेरिंग बिठा रहे हैं। बाद तो चकनट बिठा रहे हैं, इसको डबल चकनट आता है। सिंगल चकनट, जो छोटा चकनट रहता है वो अंदर के साइड में बैठता है। अब चकनट को हम टाइट करेंगे। Thank you.
फ्रेंड्स, हम अंदर का चकनेट लगा चुके हैं। अब इसका ये लॉक वॉशर है, ये लॉक वॉशर को इधर इसके अंदर एक लॉक आता है उसमें बिठाना है। ये लॉक, ये जो लॉक होता है ना फ्रेंड्स, ये लॉक में ये वॉशर को बिठाना पड़ेगा, नहीं तो अंदर का चकनेट खुल गया है तो भाप बाहर आ जाएगा। इसलिए हम ये लॉक को हम मिला चुके हैं। चकनेट रहता है बड़ा चकनेट इसके आगे, ये लॉक चकनेट है। ये चकनेट बिठाने के बाद हमको आउटर सील बिठाना है। तो चकनेट भी फिट हो चुका है अभी। अब हमको बिठाना है आउटर सील। ये आउटर सील है इसका, स्टार्ट कर बोला। ये इसका आउटर सील है दोस्तों। इसके बाद बिठाना आपको एक्सल। पूरा फिटिंग हो चुका है। अब ये एक्सल है लास्ट पैनल। ड्राइव एक्सल बिठाना है, इसके बाद इसको पैक करना है। इसका काम पूरा हो गया। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट और कमेंट्स कीजिए। ऐसे हम आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ऑल मशीनरी का हमारे पास वर्क होता है दोस्तों। हम पहले सऊदी अरब में काम कर चुके हैं, अभी इंडिया में आके 2-3 महीना हो गया। इधर वर्कशॉप ओपन करे हैं। बंद कर दो। हुआ नहीं पूरा।